हेलो गाइस, यू आर वाचिंग लिज इलेक्ट्रो। आज हम इस मोटर को रिम के साथ फिट करेंगे और कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये 36 होल्ड वाला मोटर है तो इसके लिए 36 होल्ड वाला ही रिम चाहिए। देख सकते हैं इसमें 36 होल है और ये जो रिम है हमारा ये भी 36 का है। बहुत ही मजबूत रिंग है और मैंने ये 13 गेज का स्पोक लिया है। स्पोक का साइज क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लास्ट में। ये 22 इंच साइकिल सबसे बड़ा जो देसी साइकिल होता है उसके लिए। और ये हमारा स्पोक निपल। सबसे पहले हम स्पोक डाल लेंगे मोटर में, तो फास्ट वाला ऐसे डालेगा जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं। फिर उसके सीधा जो नीचे वाला होल है उसमें डालेगा। फिर एक होल छोड़ के दूसरा होल में देना पड़ेगा। ऐसे करके पूरा मोटर को हम ऐसे लगा लेंगे स्पोक। फर्स्ट एक साइड करेंगे फिर मोटर को उल्टा करके दूसरा साइड से डालेंगे। तब वीडियो में देखो कैसे कर रहे हैं। फिर हम मोटर को उल्टा करेंगे, फिर सेम प्रोसेस इस तरफ भी करेंगे। मोटर उल्टा करके फिर दूसरा साइड से भी जितना सारा स्पोक है हम डाल लेंगे। टोटल 36 स्पोक है तो 36 हम डाल लेंगे ऐसे। जैसे उस तरफ से डाला है इस तरफ से जो बचा हुआ होल है उसमें डालेगा। फर्स्ट हम ऐसे 6 स्पोक हाथ में ले लेंगे क्योंकि ये 6 पे भी ना जाएगा। देख सकते हैं मैंने 6 स्पोक हाथ में ले लिया है। अभी एक कॉर्नर का 2 स्पोक पकड़ेंगे और बाकी सारा स्पोक छोड़ देंगे। तो 2 को राइट साइड छोड़ेंगे, 2 को लेफ्ट साइड छोड़ेंगे और स्पोक को अंदर से डाल लेंगे और ऐसे हम क्रॉस बनाएंगे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला को हम क्रॉस बनाएंगे। नीचे वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा। और रिम में आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में जो होल है हम उसी होल में डालेंगे, नीचे वाला होल छोड़ देंगे। तो एक ऊपर का है एक नीचे का है तो हम 2 ऊपर में डालेंगे तो मिडिल वाला नीचे का छोड़ देंगे। देख सकते हैं मैं कैसे लगा रहा हूँ, एक होल छोड़ के मैं दोनों स्पोक को अलग अलग डाल दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 और 6 मिलके ये क्रॉस बना है। नीचे वाला ऊपर आया, ऊपर वाला नीचे गया है। ऐसे करके एक होल मिडिल में छोड़ के दोनों होल में लग गया ऊपर वाला होल। नीचे वाला होल हम उल्टा साइड से लगाएंगे। जो स्पोक हमने लगाए थे एक नंबर वाला, उसके बाद में जो नीचे वाला स्पोक है उसको छोड़ के हम थर्ड नंबर को लेंगे। थर्ड नंबर से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 करके 6 तक। तो 6 नंबर जो स्पोक आएगा उसके साथ हम क्रॉस बनाएंगे और ऐसे करके हम पूरा एक साइड में डाल लेंगे। एक साइड में डालने के बाद हम मोटर को उल्टा करेंगे।
अभी हम मोटर को उल्टा कर लेंगे, सेम प्रोसेस इस तरफ भी होगा, वैसे ही स्पोक लगेगा जैसे उस तरफ लगाया हुआ है। तो हम ऐसे करके एक एक करके जितना सारा स्पोक है वो हम लगा लेते हैं, देख सकते हो जितना सारा स्पोक है मैंने लगा दिया है। अभी ये जितना सारा स्पोक है इसको टाइट करना पड़ेगा और व्हील को अच्छे से अलाइनमेंट करना पड़ेगा। कितना फास्ट घूम रहा है, और ये व्हील का अलाइनमेंट देखिए कितना अच्छे से हुआ है। साइकिल में लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया चलेगा। बाईस इंच साइकिल के लिए जो देसी साइकिल होता है उसमें 280 mm का स्पोक लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।